हेलो गाइस, तो आपने आगे ही देख लिया वीडियो पे हमारा जो एलईडी टीवी चल रहा है, लेकिन हमारा जो एलईडी टीवी में साउंड नहीं आ रहा है। इसी से रिलेटेड आज का वीडियो है। यहाँ पर जो हमारा आईसी जो है उड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, हाई वोल्टेज के कारण यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। आईसी हमारा ठीक है, लेकिन मेन आईसी से यहाँ पर साउंड बाईपास नहीं हो रहा। फ्रेंड सारा चीज़ यहाँ पर चेक किया, हमारा जो प्रॉब्लम ये है। आज मैं इस न्यू बोर्ड को इंस्टॉल करके आपको दिखाऊंगा। ये हमारा साउंड बोर्ड है, ऐसा प्रॉब्लम हो तो ऐसे वाला साउंड बोर्ड को इंस्टॉल करके इस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए 8 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक दे सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट राइट स्पीकर आपको देखने को मिलेगा ये बोर्ड में, और यहाँ पर लेफ्ट राइट इनपुट ऑडियो साउंड यहाँ पर देना पड़ेगा ग्राउंड में। यहाँ पर 15 वाट का 2 स्पीकर लोड लेगा ये एम्पलीफायर बोर्ड। आपको अमेजन का लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इसको परचेज कर पाएंगे या ऑफलाइन मार्केट में भी इसको इजीली परचेज कर पाएंगे। फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड, आज इस वीडियो में इसको लगा के दिखाएंगे और इंस्टॉल करके दिखाएंगे, और क्या क्या जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। आपके साथ भी ऐसा दिक्कत आ सकती है। यहाँ पर ये आईसी लगे हुई, इस आईसी को खोल के आपको फेंक देना है अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो। हमने जो किया, मेरा काम नहीं बना, लास्ट में इस आईसी को उखाड़ के फेंकना पड़ा। मैं तो वीडियो में ही पहले ही बता दे रहा हूँ, इस आईसी को उखाड़ के आपको फेंक देना। हमने नहीं किया, वो यहाँ पे वीडियो में नहीं दिख पा रहा है, लेकिन हमने ऐसा ही लास्ट में करना पड़ा है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, पहले इस साउंड बोर्ड को क्लास डी इसका कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आगे वीडियो में आपको दिखाते हैं कहाँ पर क्या क्या करना ज़रूरी है इस बोर्ड को लगाने के लिए। जो जो मुझे दिक्कत आई है इस टीवी में लगाने में, ये हमारा पैनासोनिक का टीवी है। आपको मार्केट में पैनासोनिक का कोई भी ब्रांड हो, लगभग ब्रांड जितने भी हैं सभी में ऐसा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है फ्रेंड। ऐसा प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हाई वोल्टेज जो बिजली चमकती है जिसके कारण हाई वोल्टेज आ जाती है, या किसी कारण हाई वोल्टेज आने के कारण साउंड का आईसी का जो है हाई वोल्टेज चल जाने के कारण साउंड मेन आईसी जो है टीवी का वो साउंड डिटेक्ट करना छोड़ देता है, उसके बाद साउंड आउटपुट में देना बंद कर देता है, या किसी कारण बस उसका साउंड नहीं जा पाता है। आईसी ठीक होने के बाद कुछ कुछ अलग अलग फीडबैक आवाज़ आने लगती है, जैसे कि आगे में दिखाएं बुड़बुड़ आवाज़ कर रही थी, ऐसा सब प्रॉब्लम आती है फ्रेंड। यहाँ पे माइनस प्लस में सीधा कनेक्शन कर लेंगे, जो कि मैंने कर लिया, और लेफ्ट राइट का यहाँ पे बीच में ब्लू मैंने दे रहा हूँ ग्राउंड। तो फ्रेंड जो प्रॉब्लम आती है मैंने बता दिया, इसी कारण से आपका भी टीवी में प्रॉब्लम आया होगा। तो चलिए लेफ्ट राइट के लिए यहाँ पर कनेक्शन कर लेते हैं। सिंपल सा ऐसे ही कनेक्शन आपको करना है, जो कि साफ साफ आपको दिख रहा है फ्रेंड। यहाँ पे 12 वोल्ट से लेके 8 वोल्ट से लेके यहाँ पर 24 वोल्ट तक दे सकते हैं। लेफ्ट राइट के लिए मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ, और इसको भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। ये बोर्ड हमारा पहले इस बोर्ड को भी चेक कर लेंगे फ्रेंड, ये बोर्ड को भी ध्यान से बूझ करेंगे। अगर कुछ दिक्कत हुई तो बोर्ड भी ख़राब हो सकता है, ऐसा हमारे साथ हुआ है, लेकिन जल्दी से ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। तो ध्यान रखें, इस बोर्ड में कहीं पर भी टच नहीं करना है बिना कुछ किए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। चलिए वायर को छील लेते हैं फ्रेंड कटर की मदद से, उसके बाद यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और फ्रेंड यहाँ पे दोनों को मैं यहाँ पे छील लिया वायर को, और चलिए वायर को कनेक्ट कर लेते हैं फ्रेंड। और चलिए हमारा जो वायर जब तक कनेक्ट मैं कर रहा हूँ फ्रेंड, हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं फ्रेंड, और रिपेयरिंग का ही हमारे चैनल पर वीडियो मिलेगी। प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो हमारा जो है चैनल सेकेंड चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से जाके आप हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड वीडियो को आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट मैं बनाते रहता हूँ, उसका वीडियो मैं सेकंड चैनल में डालूँगा फ्रेंड। और यहाँ पे रिपेयरिंग वाले वीडियो का आप देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पे स्पीकर के कनेक्शन को कर लेते हैं। और ऐसा प्रॉब्लम जो हर टीवी में आ जाता है बिजली की मार की वजह से, और ये प्रॉब्लम आज का नहीं है फ्रेंड, बहुत पुराना प्रॉब्लम है, डब्बा टीवी में भी आती थी। हमने अभी तक बहुत सारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मेन आईसी को चेंज करके, कभी छोटा छोटा प्रॉब्लम को चेंज करके, और हो सकता है कि इससे रिलेटेड वीडियो भी हम डाले हो, मुझे तो याद नहीं आ रहा, लेकिन यूट्यूब पे इससे रिलेटेड वीडियो देखने को बहुत सारा मिल जाएगा फ्रेंड।
तो चलिए यहाँ पे स्पीकर के वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। सिंपल सा मैं साफ साफ सारे कनेक्शन को दिखाते जा रहा हूँ, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत होती है ब्रेंड तो आप हमसे व्हाट्सअप चैट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए मैं व्हाट्सअप नंबर देता हूँ सभी को, तो व्हाट्सअप चैट करके प्रॉब्लम को समाधान कर सकते हैं। तो आप का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कुछ ना कुछ डोनेट आप कर दें, मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है ब्रेंड, क्योंकि मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए। और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो तो कुछ ना कुछ पेमेंट डोनेट कर दें। हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वही हमारा फ़ोन पे नंबर है फ्रेंड, तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहता है। यहाँ पर देखिए हमारा जो आईसी, ठीक है फ्रेंड। तो इतना सारा कनेक्शन चेक होने के बाद आपको टीवी में कहाँ पे क्या कनेक्शन करना है आगे इस वीडियो में आपको दिखाते हैं फ्रेंड। कैसे हम पर भी हमला कर सकते हैं, घुटने पर रेंगते हुए देखकर मुझे एक बात, अच्छा ये तो चलिए फ्रेंड आगे यहाँ पे क्या कनेक्शन करना है इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले बोर्ड को खोल लेना है और यहाँ पे हमने क्या क्या कनेक्शन किया है इसके बारे में आज मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा कनेक्शन करेंगे तभी आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी ब्रेन, चूँकि मैंने आगे वीडियो में कुछ कुछ चीज़ को बता चुका हूँ, उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। कुछ एक टाइप ऑफ पिक्चर जो खापती है उस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा फ्रेंड। तो चलिए यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये हमारा ग्राउंड है और ये भी ग्राउंड है फ्रेंड। तो ग्राउंड ग्राउंड है और यहाँ पे हमने वोल्टेज चेक करना है फ्रेंड, यहाँ पे कितना वोल्टेज आ रहा है। तो हमने कहीं और पे कनेक्ट किया था लेकिन यहाँ पे वोल्टेज चेक करके यहाँ पे इस जगह में कनेक्ट कनेक्शन करना है फ्रेंड। वोल्टेज हमने चेक कर रहा हूँ, यहाँ पे 12 वोल्ट जो है इसमें कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है 12 वोल्ट एक्यूरेट अगर हम लोग कहीं से भी कनेक्ट कर देते हैं तो आपका टीवी में एक तो प्रॉब्लम आ रही थी हमारा जो है, तो ऐसा ना करें, जो कि मैं आपको बताऊंगा उस तरह से करें। यहाँ पे एक आईसी लगे भी साउंड वाला, उस आईसी को एसएमडी आईसी की मदद से रिमूव करना है और वहाँ पे आईसी में जो 12 वोल्ट जा रही है वहाँ से कनेक्ट करना फ्रेंड। तो मैंने यहाँ बगल से कनेक्ट किया था जो कि अभी आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आपको, जो कि मैंने पहले कर चुका हूँ। और ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड कहीं से भी आप दे सकते हैं, ग्राउंड में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता फ्रेंड। लेकिन 12 वोल्ट का जो वोल्टेज है जब एम्पलीफायर साउंड के लिए लोड लेती है तो वोल्टेज अप डाउन में प्रॉब्लम हो जाती है फ्रेंड, ज़्यादा लोड खींचने की वजह से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना, पावर सप्लाई वोल्टेज को आपका जो है सही तरीके से मिलना चाहिए। 5-10 मिनट चलाएंगे टीवी, आपको एक्यूरेट पता चल जाएगा कि हमारा जो पिक्चर काँप रही है और साउंड खोलने के बाद ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड। तो इस चीज़ को गुरु ध्यान जरूर से जरूर रखें। और चलिए हमारा जो लगभग काम हो चुका है और आगे दिखाते हैं कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ से पावर आने के बाद हमारा जो है सक्सेस हो गया है, ग्राउंड को ग्राउंड में जोड़ देते हैं और दो पॉइंट को कहाँ पे जोड़ना है वो भी मैं आपको दिखाते हैं वीडियो में, और वहाँ पे कितना का रेजिस्टेंस लगाना है ताकि आपको जो है साउंड अटके नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने 12 वोल्ट दे रहा जिसकी वजह से साउंड भी अटक रहा था, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर 24 वोल्ट देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर सेकंड साइड में जिस जेक में लग रहा है उसी जेक से हम लोग साउंड के लिए डायरेक्टली बाईपास करेंगे। तो चलिए यहाँ से डायरेक्टली बाईपास करेंगे ये दो पॉइंट में, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो आगे वीडियो में आपको दिखाएंगे फ्रेंड। फिलहाल मैं यहाँ चेक करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर लगा दिया हूँ इस दो पॉइंट में, जिस जिस पॉइंट में आवाज़ आएगी फ्रेंड चेक करके लगाना आपको, यहाँ जहाँ तक नहीं लगा देना तो आपका टीवी का अलग अलग जगह पे पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस टीवी में जहाँ पे था उसी जगह पे लग जाएगा फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड हमने सारी चीज़ को लगा लिया हूँ, उसके बाद एक काम और करना फ्रेंड जो कि आगे वीडियो में दिखाऊँगा। इतना कर लिया है तो आपका जो है प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा और देखिए फ्रेंड साउंड भी आ जाएगा।
No donation. Please try to understand our college also. तो हमारा फ्रेंड लगभग काम हो चुका है। और फ्रेंड जो इस चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। और देखिए फ्रेंड यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा हुआ जो कि 4.7 के है या 1 के का रेजिस्टेंस लगा सकते हैं ताकि आपको जो आवाज़ है ज़्यादा हाई फाई जाए तो आवाज़ रुके नहीं अटके नहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो, जिसके लिए मैं यहाँ पे रेजिस्टेंस का यूज किया हूँ। और पावर सप्लाई में वोल्टेज को आप ध्यान में रखते हुए कनेक्शन करना है, कहीं और से नहीं। यहाँ पे इस आईसी को रिमूव करके आपको कनेक्शन करना है। जो साउंड आईसी इसका पहले से ही था, जिसको मैं आगे वीडियो में थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूँगा। फिलहाल जो हमारा है लगभग मैंने यहाँ तक कर लिया। और इसको यहाँ पे किसी पेपर ऊपर में या किसी अच्छी चीज़ में इसको पैक कर देंगे ताकि कहीं से शॉर्ट ना हो और कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं और यहाँ पे एक बार चेक करके देखते हैं। फ्रेंड ये ऐप क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद करती है, बोलने से सब होगा। ऑनलाइन पे एक्स्ट्रा डिस्काउंट के मजे लो, मिशो मेगा ब्लॉकबस्टर से डाउनलोड नाउ। हल्दी कूटना भी बाकी। तो फ्रेंड आवाज़ तो आ रही है, लेकिन इस तरह का अगर पिक्चर आपका काँप रहा है तो यहाँ पे आपको जो इस आईसी में हम लोग वोल्टेज को दिया हूँ यहाँ से लगा के यहाँ पे, तो इस आईसी को यहाँ पे जो लगी हुई है इस आईसी को रिमूव करना है पूरे तरीके से, यहाँ से निकाल के हटा देना है। और यहाँ पे जहाँ पे 12 वोल्ट आ रही है वहाँ से आपको पावर देना है ताकि आपका जो पिक्चर जो हमारा काँप रहा अप डाउन हो रहा है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर नहीं साउंड लगाने के बाद ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इस प्रॉब्लम का समाधान यही है फ्रेंड। तो पावर सप्लाई का जो पावर है कहीं और से नहीं देना, जो कि मैं शुरू से वीडियो में आपको बता रहा हूं ताकि इस चीज़ को ध्यान में रखें। मेरे साथ प्रॉब्लम आया, मैंने बहुत झेलने के बाद आप इसलिए वीडियो को मैंने बनाया ताकि आप इस प्रॉब्लम को ना झेलें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड इसको लगा लेते हैं और आपको ये करके मतलब चेक करके दिखा चुका हूँ। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय, फिर से एक नया वीडियो और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में फिर से मिलते हैं फ्रेंड। और जो इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड तब तक के लिए बाय।